बिहार के बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बिहार पुलिस ने दहशत फैलाने वाले चारों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी बेगूसराय जिले के ही रहने वाले हैं। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे गोलीकांड की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद दहशत फैलाना था। इस मामले में चुनचुन कुमार, सुमित कुमार, केशव उर्फ नागा एवं युवराज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए 4 मोबाइल जब्त किए। इस वारदात में 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे और उन्होंने फायरिंग के लिए 2 देसी पिस्टल का उपयोग किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 22 स्थानों से सीसीटीवी फुटेज को लिया गया था, जिसके आधार पर पहले युवराज को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी निशानदेही पर अन्य अपराधियों को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर ली है। इन चारों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इनमें से केशव उर्फ नागा रांची भागने के फिराक में था, लेकिन जमुई के छाजा में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में शामिल 2 पिस्टल पुलिस ने जब्त किए, 5 कारतूस जब्त किए हैं। घटना में प्रयोग की गई साइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। घटना में प्रयोग कपड़े को जब्त किया है और 4 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए हैं। देखिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए DIG बेगूसराय और SP बेगूसराय द्वारा 4 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी। इसमें हम लोग को 6 जिलों, नज़दीक के जो 6 जिले हैं, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर एवं रेल पुलिस जमालपुर से वेल कोऑर्डिनेट सपोर्ट मिला। साथ में बिहार की SDF, CID, FSL, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों की लगातार मदद मिली। अब तक 22 स्थानों पर जो CCTV फुटेज लगे थे उनका जो विश्लेषण किया गया, उसके आधार में ये 4 लोग की गिरफ्तारी की गई है। देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि घटना के बाद जो टेक्निकल और CCTV एनालिसिस हुआ था, उसके आधार पर हम लोग ने युवराज की पहचान की और उसकी गिरफ्तारी की। युवराज ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसने बताया कि जो घटना के दिन इसने पीले रंग की टी शर्ट पहनी थी, वो सुमित के घर पे है। सुमित के घर पे छापेमारी की गई तो सुमित को गिरफ्तार किया और युवराज ने यह भी बताया कि सुमित ही उसके पीछे बैठा हुआ था। इसके बाद सुमित को भी अरेस्ट किया गया और युवराज की निशानदेही पे उसने घटना में जो देसी 2 देसी पिस्टलों का इस्तेमाल किया था गोली चलाने में, उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। युवराज की निशानदेही पे जो हम लोग की मोटरसाइकिल दिखी है, जिस पर युवराज पीले रंग की टी शर्ट पहन के बैठा है, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में दूसरी मोटरसाइकिल पे 2 अपराधकर्मी और सवार थे, जिसके बारे में हम लोग को जो पता चला है उसमें हमारी विशेष टीम काम कर रही है। पूछताछ में इन्होंने पुलिस को बताया है कि इनके साथ इस घटना की प्लानिंग में चुनचुन और केशव और नगवा भी शामिल थे। ये सभी घटना से पहले और घटना के बाद लगातार आपस में फोन के माध्यम से संपर्क में थे और इनका मूवमेंट सस्पेक्टेड था। इस बात की हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने जाँच की और सबको सही पाया गया। उसके बाद इसमें चुनचुन की गिरफ्तारी की गई। केशव और नगवा तब तक जिले से बाहर भाग चुका था, उसको विशेष टीम ने जमुई जिले से जाकर गिरफ्तार किया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ढाई साल जेल में रह गया। केशव नागा पे 2 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है, ये भी जेल हो गया है। सुचित पे भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है, सुमित पे, ये भी जेल हो गया है। ये सभी क्रिमिनल्स हैं, सभी पे अपराधी मामले दर्ज है। देखिए, इस घटना की लाइनर के तौर पे अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, हमको इस बात का अंदेशा है और इसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। देखिए, अब तक के अनुसंधान में प्रथम दृष्टया पाया गया है कि इस घटना के पीछे मकसद के अन्य सभी पहलुओं की पुलिस भी जांच कर रही है। के पीछे का रहस्य क्या था? नागा का टाइमिंग और मैंने बताया कि जो मकसद हमने बताया इसके सभी अन्य सभी पहलुओं की अभी जाँच कर रही है। जैसा लग रहा है कि पार्टी के द्वारा भी ऐसा कोई सूचना है अपराध के, लेकिन मामला भी अनुसंधान में है, सभी पहलुओं की जांच। और नागा के परिवर्तन का नाम उन्होंने लिया है क्या? मंत्री जी सबसे मिलने के निर्दोष है मेरा बेटा, तो पता है। इस बारे में मैंने आपको बताया है PC में कि षड्यंत्र को रचने में ये लोग शामिल थे। कुछ लोग घटनास्थल पर नहीं थे, घटनास्थल से दूर थे, और लेकिन जो लोग घटना कर रहे थे उनके साथ लगातार लोग संपर्क में थे। इसके जो एविडेंस है उन्होंने फोन से मिले हैं और हम इनके सभी फोनों को साइबर सेल जो है और फॉरेंसिक यूनिट जो है हमारी CID को पटना भेजने वाले हैं, सभी बिंदुओं की जाँच करेंगे। शराब के मामले से जुड़े हुए या राजनीति? ये लोग क्या शराब थे? देखिए, मामला भी जाँच में है, सभी बिंदुओं की जाँच हो रही है। सर, 4 बाइक पे थे, 2 ऑस्ट्रेलिया में जिसका बता रहे हैं नागा और चीज़ें, ठीक है। जो फुटेज हम लोग को मिला है उसमें 4 लोग की तो पहचान हुई नहीं है, उनको हम लोग 0 दिन भी कर लिया है, तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। बाकी इस घटना में मैंने ऐसा बताया ना कि इसमें षड्यंत्र में लाइनिंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, उनकी अभी जाँच। गिरफ्तारी में कुछ चाहिए?
जिससे कि मामला भी था।